हाय एवरीवन, कैसा हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक वन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 18th of January और आज बेसिकली मतलब यहाँ पे इस साइड का रिचुअल होता है जिसको हम लोग हिंदी में मट मंगरा ऐसे कुछ कहते हैं। तो ये कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, बट हम लोगों को एग्जैक्टली ये चीज़ पता नहीं थी। मतलब कार्ड वार्ड में तो सारी चीज़ें मेंशन थी, बट हुआ क्या कि जिस दिन हल्दी होने वाली थी उस दिन पंडित जी आके बताया कि भद्रा लग रहा है उस दिन, तो इस वजह से जो फंक्शन है वो आज ही मतलब होना है। यार मैं फेशियल करवाने के लिए बैठी थी और मैं मतलब मुझे करवाने का मौका भी नहीं मिला और मैं बस एज इट इज़ उठ के बस आ गई बस रेडी होने के लिए। अब देखिए कल शायद वो आएंगी तो करेंगी फेशियल जो भी होगा। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग बस रेडी वेडी हो गए थे, आधा एक घंटे का टाइम जो भी था मेरे पास उसमें हम लोग रेडी हो गए और हम सब ऊपर जहाँ पे सारा फंक्शन है हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ऊपर के साइड पे। ये है पूरा जो एरिया है, जो मेरा पूरा टेरेस वाला पोर्शन है वहाँ पे, और एक साइड में मतलब खाना वाना बन रहा है। यहीं पे पूरा मंडप वगैरह का अरेंजमेंट किया गया है कि यहीं पे मंडप वगैरह जो है वो पूरा बनेगा। मंडप बनेगा जहाँ से तो हाँ हाँ बना दो ठो प्लास्टिक वाले कुर्सी इधर। यहाँ दो लाइट और लाओ, लाइट लाओ ना तुम लोग। लाइट वाले से लाए थे ना, अब जब लाइट वाला ये है उससे क्या लेना वही बता दिया तो तुम्हारा तुम ही लेते आओ ना। ऊपर मतलब जो चक्री वगैरह होती है वो हो गई थी, तो उसके बाद ना यहाँ पे कुआं पूजन होता है ऐसा यहाँ पे है रिचुअल, तो हम लोग बस वही करने जा रहे थे। यहाँ पे मैं रेडी हो गई, मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर भी अटैच करूँगी तो आप देखिएगा मेरा पूरा लुक मैं कैसे लग रही थी। कि तो फिर जल्दी जल्दी मैं जो भी हो पाया उस तरीके से तैयार हुई। कल एक्चुअली बेसिकली जो है मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं जो शो वाली हल्दी होती है, मतलब जो शूट वाली हल्दी है वो हम लोगों की कल होगी, तो बाकी लहंगा वहंगा जो है मेरा मैं कल पहनूंगी। तो वो वीडियो भी आप लोग साथ शेयर करूंगी, वो व्लॉग आप लोग साथ शेयर करूंगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो ढोलक होती है उस वो सबसे ज़्यादा शुभ होती है हर पूजा पाठ में या शादी वादी में, तो यहाँ पे उन्हीं का पूजन हो रहा है। तो ये मतलब जो सारे रिचुअल्स मतलब जो कन्यादान करता है वही मंत्री पूजा वगैरह जो करता है वही ये सारे रिचुअल्स फॉलो करता है, तो ये सब मम्मी करने वाली हैं तो इसलिए उन्होंने ये सारा जो है प्रोसेस देखे यहाँ पे हो रहा है। और मतलब इस तरीके से होता है कि इसका शुभारंभ हो जाता है इस तरीके से करने के बाद। तो हम लोग इसको लेके कुछ दूर हमारे घर से थोड़ा सा मतलब जिसको हम लोग पोखरा कहते हैं वहाँ जाना है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं सब लोग। और ठंड यार इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे कि इस टाइम का टेम्परेचर मैं बताऊँ 6 से 7 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर होगा, फिर भी उससे भी कम हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे जहाँ पे बताया ना मैंने पोखरा, और इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 6 साढ़े 6 बजे का ही आसपास का टाइम था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो अंधेरा हो गया था यहाँ पे। फिर घर आए तो घर पे ये सब डांस परफॉर्मेंस वगैरह चल रहा था, तो उसको हम लोगों ने कुछ इन्जॉय किया। मैंने कैमरा अपना हर किसी न किसी को पकड़ा दिया था जिससे मेरे व्लॉग्स वगैरह जो है वो शूट होते रहे थोड़े थोड़े, तो मुझे क्लिप्स मिलती रहे और मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे अपने व्लॉग्स जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं वो व्लॉग्स का इंतज़ार करता है। जब मैं भी यूट्यूबर नहीं थी तो मैं भी व्लॉग्स वगैरह जब देखा करती थी किसी का तो मुझे भी व्लॉग का बड़ा वेट होता था हर किसी के कि व्लॉग आएगा तो देखना है। हाँ किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। मासी हाय हाय कर दीजिए। रुको
तो हमको सीढ़ी चढ़ लेने दो यार। नमः नारायणाय नमः हस्तोपराक्षार्थ ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः कांडा कांडा स्वतोहंते पुरुष परस्परे एवानो तुमे कतनु शस्तेन शतेन च कांडा कांडा स्वतोहंते पुरुष परस्परे एवानो तुमे कतनु शस्तेन शतेन च इंद्रजीत फिर हम लोग जब नीचे आए तो यहाँ पर फिर से जो है वो डांस परफॉर्मेंस वगैरह जो है लोगों की स्टार्ट हो गई थी। मतलब दादा मामा सभी लोग थे उसमें। हम लोगों ने भी डांस लास्ट में बहुत किया था। पता नहीं उसका क्लिप ऐड है कि नहीं है मेरे पास। अगर होगा तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग कोबर कहते हैं। ये हर किसी के घर में होता है, मतलब यूपी के साइड्स तो जनरली होता ही होता है। तो ये इस तरह की कागज़ होता है जिसको लगाया जाता है, उसमें वर और वधू के नाम को लिखा जाता है। और अब तो मतलब काफ़ी ट्रेंड हो गया है कि लोग होटल से ही मतलब ये अच्छी चीज़ है कि गाना ऐसा लगा कुछ आ ही नहीं रहा डांस करके। गाना भी यार मतलब ऐसा चल रहा था कि खुद को डांस कर की नहीं। मैंने हम सब ने मिल के इस ब्लॉग का मैंने एंड नहीं शूट किया था। तो चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे ब्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं तो चैनल में बने रहिएगा। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरी फैमिली फंक्शन की या सर ये सब मेमोरीज़ होंगी हम लोगों के पास। कभी भी इन फ्यूचर अगर देखने का मन करें तो फटाफट से बस YouTube ओपन किया और सारे वीडियो देखिए। मैं अपने लास्ट में सारी अपनी पिक्चर्स अटैच करूँगी तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।